नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ शहर के पहाड़पुर में स्थित प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान निस्मा इंटर कॉलेज में अब छात्राओं को हिंदी माध्यम के साथ साथ अंग्रेजी माध्यम से भी शिक्षा दी जाएगी। इस बात की जानकारी निस्मा इंटर कॉलेज के मैनेजर तारिक ख्वाजा ने प्रेस वार्ता के दौरान दी। उन्होंने बताया कि आज के दौर में हर व्यक्ति हर माँ बाप का सपना होता है कि उनके बच्चे बच्चियों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले, ताकि वह देश दुनिया में अपने देश व अपना नाम रोशन कर सकें, अच्छा संस्कार पा सके। इसी के तहत प्रबंध समिति ने निस्मा इंटर कॉलेज में हिंदी माध्यम के साथ अंग्रेजी माध्यम से भी शिक्षा संचालित करने का निर्णय लिया है। मैनेजर तारिक ख्वाजा ने पत्रकारों को ये भी बताया कि जिस तरह जगह पर आप लोग बैठे हैं, ये आजमगढ़ की ऐतिहासिक जगह है जिसको पत्र के साथ याद किया जाता है। आज से तकरीबन 100 साल पहले बच्चियों की शिक्षा का एक ऐसा बीज बोया गया और जिस हस्ती ने इसका शिलान्यास का पहला पत्थर रखा वह आजादी के तहरीक के सबसे बड़े रहनुमा मौलाना मोहम्मद अली जौहर की वालिदा थी, जिनको पूरा देश भी अम्मा के नाम से भी जानता था। उन्हीं की बरकत थी कि देखते ही देखते निस्वा कॉलेज सिर्फ आजमगढ़ में ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में बच्चियों की शिक्षा संस्थानों में सबसे बड़ी संस्था बन गई। तारिक ख्वाजा ने कहा कि हमारे इरादों में उच्च स्तरीय इंग्लिश मीडियम कॉलेज का भी प्लान है जो बहुत जल्द शुरू होने वाला है, जिसमें खास तौर से उन बच्चियों को तवज्जो दी जाएगी जो आर्थिक स्थिति की वजह से अंग्रेजी माध्यम शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते। इस मौके पर विद्यालय प्रबंधक कार्यकारी समिति के मोहम्मद आबिद एहसान खान, सैदू जफर खान, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद रईस आदि लोग मौजूद थे। संवाददाता अमित खरवार की रिपोर्ट। इसका मकसद सचिन भाई ये है कि जैसे पढ़ाई लिखाई का जो आजकल मामला जो चल रहा है, और जैसे आप जानते भी हैं कि हमारा विद्यालय काफ़ी पुराना विद्यालय है, तकरीबन 82-85 साल से ये समाज में अपनी भूमिका निभा रहा है, बच्चियां यहाँ से पढ़ रही हैं, लेकिन माध्यम इसका सिर्फ हिंदी ही था। और आज के जो माहौल को देखते हुए और कॉन्वेंट स्कूल और सारी चीज़ों की ज़रूरत देखते हुए इंग्लिश का महत्व बढ़ता जा रहा है, चाहे वो नौकरी में हो या और शिक्षाओं में, तो इस साल से हम लोग इसको इंग्लिश मीडियम स्कूल करने जा रहे हैं। और वो भी इस तरह से कि समाज के जो बच्चे हैं जो थोड़ा आर्थिक रूप से जो निचले स्तर पर या नीचे निचले पायदान पर हैं, जो बड़े बड़े स्कूलों में नहीं जा पाते हैं, उनके लिए ये पूरी मुहिम और ये पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया है कि वो कम दामों पे शिक्षा ग्रहण करें और अच्छी शिक्षा। आजकल जो शिक्षा का व्यवसायीकरण हो चुका है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस आ चुके हैं, लंबी चौड़ी फीस है, और इस कोरोना में हम लोगों ने देखा कि गार्जियन पे कितना बड़ा बोझ पड़ा वो फीस और सारी चीज़ें देने के लिए। पढ़ाई ऑनलाइन के माध्यम से हुई लेकिन स्कूल वालों ने कोई रियायत हम लोगों के साथ नहीं किया और फीस पूरी लिया। तो हम चाह रहे हैं, हम लोगों की ये फिर सोच हुई, सबकी कमेटी की उनसे बातचीत हुई और सबने ये फैसला किया कि ऐसी शिक्षा दी जाए जो कि अफोर्डेबल, एक आम आदमी के लिए उसकी इनकम को देखते हुए वो अफोर्डेबल शिक्षा हो और क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जाए। ऐसी चीज़ों को हम लोग बढ़ावा दें और इसकी एक पहल इस तरह से निस्मा स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल के तौर पर हम लोगों ने चालू करने का फैसला किया है इसी सत्र से। क्लास कितने से कितने तक इंग्लिश रहेगा? ये नर्सरी से 12वीं तक का प्रोग्राम है और NCERT पैटर्न पे हम लोग बच्चों को किताबें वगैरह मुहैया कराएंगे। यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम से हमारा एफिलिएशन है। कितनी बच्चियाँ अभी यहाँ पढ़ रही हैं, उनके लिए क्या नई व्यवस्थाएं रहेगी, क्योंकि टीचर भी आपको इंग्लिश रखने पड़ेंगे और संसाधन बढ़ाने पड़ेंगे? देखिए, अभी तो हमारे पास तकरीबन 1000 के आसपास नॉर्मल हिंदी मीडियम में बच्चियां पढ़ रही हैं और हमारे पास पर्याप्त संख्या में टीचर्स भी हैं। अगर कोई कमी होगी तो हम टीचर्स और बढ़ाएंगे। जैसे ये इंग्लिश मीडियम जो स्कूल है इसमें सारे नए टीचर्स रखे जाएंगे और ये एडहॉक बेसिस पे रखे जाएंगे और इनसे पाठन पठन का काम कराया जाएगा। तो इसी सत्र से लागू हो जाएगा? इसी सत्र से चालू कर दिया गया है। सारे एडवर्टीजमेंट, सारी चीज़ें, लोगों से बातचीत वार्ता स्टार्ट कर दी गई है और आप लोगों के माध्यम से भी हम गुजारिश कर रहे हैं कि आप लोग इस चीज़ को प्रमोट करिए। और एक वक्त में ये बहुत बड़ा स्कूल रहा है, ज़्यादातर आजमगढ़ के लोग यहीं से पढ़ के
आगे अपना नाम रोशन कर रहे हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में गए हैं। टारगेट ये है कि यहाँ से जो बच्चे पढ़ें आगे बढ़ें तो वो किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में जाए, BHU में जाए, AMU में जाए, जामिया में जाए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाए, जहाँ वो अपने करियर को और एक्सप्लोर कर सकें। आज़मगढ़ में ही रहना और यहीं पढ़ना, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं मिलता है, नौकरी के बहुत ज़्यादा ज़रिए नहीं आदमी के पास सामने रहते हैं, कोई विकल्प नहीं रहता है, बाहर ये सारे विकल्प खुल